शिवसेना में छिड़े गृह युद्ध और विधायकों के बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में सरकार हाशिए पर आ गई है। महाविकास अघाड़ी के गठबंधन वाली बैसाखी पर खड़ी उद्धव सरकार धराशायी हो सकती है, लिहाजा अब इसकी तिलमिलाहट उद्धव खेमे वाली शिवसेना के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस में भी दिखाई देने लगी है। ऐसे में अब इस सियासी संकट को लेकर एनसीपी कार्यकर्ता भी मैदान में कूद पड़े हैं, लिहाजा उसे कहीं और नहीं बल्कि गुवाहाटी में एक्टिव होते देखा गया है। गुवाहाटी वही जगह है जहां शिंदे गुट के विधायक एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। एनसीपी के स्टूडेंट विंग राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने इस बीच पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। गुवाहाटी में होटल के बाहर उनकी ओर से एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसमें फिल्मी किरदार कटप्पा की उस तस्वीर को लगाया गया है जिसमें वो बाहुबली को पीछे से तलवार घोंप रहा है। इस पोस्टर पर गद्दार लेख एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर निशाना साधा गया है। इसी तरह के एक दूसरे पोस्टर में लिखा दिखाई दिया कि रेडिसन ब्लू के बिल से नहीं महाराष्ट्र की वीर भूमि में आकर बात होगी। वहीं एक और पोस्टर में लिखा दिखाई दिया कि गुवाहाटी में छिपे गद्दारों को सारा देश देख रहा है। आगे लिखा है कि ऐसे फर्जी मक्कारों को जनता माफ नहीं करेगी। इसी तरह का पोस्टर वॉर महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर देखने को मिला जिसमें शिवसेना के बागी विधायकों को निशाना बनाया गया है, जबकि कुछ जगहों पर बागी विधायकों के पोस्टर पर कालिख पोती गई। उसी तरह से कुछ पोस्टर ठाणे में भी लगे दिखे। हालांकि यहां शिंदे गुट के समर्थन में भी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरे देखा गया, जो हाथों में पोस्टर थामे शिंदे गुट के समर्थन के नारे लगाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि शिवसेना के 55 में से अब तक कुल 39 विधायक बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, जबकि 18 सांसदों में से लगभग 14 सांसद भी शिवसेना के बागी खेमे एकनाथ शिंदे से संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर उद्धव खेमे से ये टूट इसी तरह जारी रहती है तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि शिंदे शिवसेना के धनुष बाण वाले पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोक शिवसेना पर कब्जा जमाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।